गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई 14 अप्रैल को शिवम डीजे टांडा का लगने वाला एक बेहतरीन सेटअप। तो आइए हम आज के इस ब्लॉग वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि उनकी सेटअप की तैयारी कैसे चल रही है और कितने दिनों से चल रही है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और हम आपको ये भी बताने वाले हैं इस वीडियो में कि इनका सेटअप कब लगेगा और कहाँ पर लगने वाला है और कैसा कैसा सेटअप रहेगा, कौन कौन सी लाइटिंग रहेगी, कितना डीजल लगेगा, सब कुछ इस ब्लॉग वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर भाई वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पार्ट वन का वीडियो आपको देखने में काफ़ी खतरनाक लगने वाला है। क्योंकि शिवम डीजे टांडा का आ रहा है एक भयंकर लुक जो कि आपकी टांडा में मचाने वाले हैं धमाकेदार वाइब्रेट। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना किसी टाइम। तो फाइनली भाई ये रहा डीजे शिवम टांडा का सेटअप, आप देख सकते हैं यहाँ पे काम हम चालू हो गया है, सारपी वगैरह बांधना स्टार्ट हो गया। तो सब लोग अपना सारपी वगैरह बांध रहे हैं और ये तीन रिंग में लाइट लगेगी, ये देखते हो 1 2 3 तीन रिंग में लाइट लगने वाली है वो भी सारपी। तो अभी इनका न्यू सारपी भी आया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना डब्बा सारपी शिवम टांडा का आया है, वो मंगवाए हैं न्यू न्यू। तो और आप देख सकते हैं ये सेटअप इनका लग चुका है, काफ़ी बेहतरीन लुक में लग रहा है। तो अभी सारफे वगैरह बांधा जा रहा है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। तो ये H10 का सारफी, ये जो न्यू दिख रहा है आपको, ये पूरा सेटअप पे लगने वाला है जो कि शिवम टांडा का न्यू आया है। ये आप देख सकते हैं H10 का, काफ़ी खतरनाक लग रहा है भाई ये सारपी, चलने में तो चलेगा जब ना भाई, खतरनाक लगेगा देखने में भी। तो वीडियो में बने रहिएगा कि ताकि आपको हम ये सेटअप का लाइटिंग दिखा सकें। तो ये सारी सारपियाँ जो हैं वो शिवम टांडा की आई हुई है न्यू। चौदह अप्रैल में कुछ आपको इस तरीके का सेटअप देखने को मिलने वाला है शिवम डीजे टांडा का। तो अगर आप भी डीजे शिवम टांडा का सेटअप देखना चाहते हैं तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको इस ब्लॉग वीडियो में बताने वाले हैं कि ये सेटअप कहाँ पे लगने वाला है शिवम डीजे टांडा का। तो अभी देख सकते हैं पूरा सेटअप इनका कंप्लीट हो चुका है और लाइट वाइट बांधता स्टार्ट हो गया। तो अभी पूरा लाइट बधेगा, फिर इसके बाद चेकिंग वगैरह होगा, तो उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए थोड़ा सा आप चलिए उनके नाम का आपको फंड दिखाते हैं। भाई आप देख सकते हैं कि जोरों तोरों से चल रहा है इनका सेटअप का तैयारी। तो अभी रात का समय ज़्यादा है, 12 बजे का समय है और यहाँ पे तैयारी चल रही है, सारपी वगैरह बांधा जा रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता। अगर मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता तो आपको इतना तो समझ आ जाता भाई, अगर तैयारी चल रही है तो वो पूरा हो जाएगा। तो अभी इनका सेटअप जान सकते हैं कि सारपी से बांधा जा रहा है और सारपी बांधने के बाद भी इनका क्या क्या लाइटिंग लगने वाला है, दूसरी लाइटिंग वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो फाइनली भाई अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ब्लॉग वीडियो देखने के लिए। तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपको फिर बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि ये इनका सेटअप कहाँ पे लगने वाला है। तो इनका सेटअप लगने वाला है आधा जनता के पास। तो आप सभी से निवेदन है कि इनका सेटअप देखने के लिए ज़रूर आइएगा क्योंकि इनका सेटअप काफ़ी ख़तरनाक लुक में आने वाला है।
अब की बार टांडा में सबसे खतरनाक लुक में आने वाला है इनका सेटअप। तो इनका सेटअप लगने वाला है टांडा में, जो काजीपुरा में लगने वाला है इनका सेटअप। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीएम टांडा की कौन कौन सी तैयारी हो चुकी है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं धमाकेदार तैयारी के साथ।